हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को नॉर्मल सलवार सिलाई करके दिखाऊंगी। ये सलवार हम तुम इधर फैब्रिक से काट किया है। अगर फ्रेंड्स उससे पहले मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को क्लिक कीजिए सबसे पहले मेरा हर वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो फिर चलिए देखती हूँ उसको किस तरह से सिलाई करना है। यह हम पिछले वीडियो में काट किया है तो अभी इसको सिलाई कर लेना है। तो इसके बाद देखिए हम यहाँ से अलग से जो कपड़ा काट कर रखा है उसको ज्वाइन कर लेना है। जो कपड़ा हमने अलग से काट किया है तो इसको अभी यहाँ से ज्वाइन कर लेना है। देखिए हम इसको इस तरह से मिला कर लेना है। लेने के बाद देखिए हम यहाँ से हाफ इंच लेकर सिलाई करना है। चारों पार्ट को हम इसी तरह सिलाई करना है। सिलाई करने के बाद देखिए हम इसको इस तरह से करना है। सीधा साइड की तरफ लेना है। लेने के बाद हम ऊपर से एक सिलाई करना है। चाहे तो आप इसको अंदर से भी सिल सकती हो लेकिन हम इसको ऊपर से सिलाई करना है। ये सिलाई करने के बाद देखिए हमें क्या करना है। हमें प्लेट देने के लिए पहले यहाँ से जो खुला हुआ साइड है तो हम दोनों साइड को बंद कर देना है। पहले एक साइड बंद कर लेना है। उसके बाद हम दूसरा साइड भी उसी तरह सिलाई करना है। ये दोनों पार्ट को साइड से ज्वाइन करने के बाद देखिए क्या करना है। अभी हम कमर के लिए बेल्ट सिलाई करना है। देखिए हम इसको इस साइड इस तरह लेना है। इस तरह लेने के बाद पहले हम एक साइड बंद कर लेना है। हम इसको सिलाई कर लेना है। उसके बाद हम दूसरा साइड सिलाई करना है। देखिए दूसरा साइड को किस तरह से सिलाई करना है। यहाँ से हम 2.5 इंच ऐसा खुला रखना है। उसके बाद देखिए हमें इसको इस तरह करना है। इस तरह से हमें मोर का सिलाई करना है। उसके बाद हमें इसको इस तरह से अंदर की तरफ फुल करना है। करने के बाद हम ऊपर से फुल करने के बाद हम सिलाई करना है।
देखिए इसको ज्वाइन कर लिया। तभी हम प्लेट देना है, तो प्लेट देने के लिए हमें क्या करना है, देखिए हम इस ज्वाइन के साथ इस ज्वाइन को मिलाकर रखना है। उसके बाद ये दूसरा ज्वाइन है, हम यहां से ऐसे डायंस ऐसा छोड़ देना है डायंस। तब हम इसको प्लेट देना है। प्लेट किस तरह देना है देखिए, हम यहाँ से ढाई इंच जैसा ऐसे सिलाई करना है, उसमें प्लेट नहीं डालना है ढाई इंच तक। तो ढाई इंच के बाद हम अभी प्लेट देना शुरू करना है। प्लेट को हम हल्के हाथ से प्लेट डालना है, तब धीरे धीरे सिलाई करना है इसमें। हम उसी तरह पूरा घुमाकर प्लेट देकर जाना है। देखिए हम इसको इस तरह से प्लेट दिया है, इस तरह। उसके बाद देखिए हम इसको कितने तक लंबाई रखना है। हम इसका लंबाई 37 इंच रखूंगी, 37 इंच। चाहो तो आप इसमें बकरम भी यूज कर सकती हो, हम इसमें बकरम यूज नहीं करना है। और एक फुल करना है, उसके बाद हम यहां से भी 37 इंच लेना है। उसके बाद देखिए हम कितनी से एक सिलाई देना है। यहाँ से हम 13 इंच का सिलाई करना है, 13 इंच।
देखिए इसका सिलाई कंप्लीट हो चुका है। तो अभी हम इसके लिए डोरी सिलाई करना है। पहले हम इसको जॉइन कर लेना है। उसके बाद देखिए हम इसको इस तरह से इस साइड में एक पुल करना है और इस साइड में एक पुल करना है। तो हमने उसके बाद और एक पुल करना है। करने के बाद हम सिलाई कर लेना है। तो इसके लिए डोरी सिलाई कंप्लीट है। तो देखिए हम इसको इस तरह से सिलाई किया है। अगर फिर मेरे आज के वीडियो को अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिए। और अभी भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को क्लिक कीजिए सबसे पहले मेरा हर वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए।